नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको राजस्थान के ऊर्जा संसाधन के भाग दो के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके पूर्व के वीडियो में हमने इसके भाग प्रथम के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने अध्ययन किया था कि ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं उनके बारे में अध्ययन किया था। आज हम यहाँ अध्ययन करने जा रहे हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत या वैकल्पिक स्रोत के बारे में। तो वर्तमान विश्व में व्याप्त ऊर्जा का संकट का एक हल ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है, अर्थात सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और बायोगैस इत्यादि। तो वर्तमान में जो हमारे सामने ऊर्जा का संकट उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि जो हमारे परंपरागत स्रोत हैं वो लिमिटेड हैं और यदि उनका लगातार प्रयोग किया गया तो वो समाप्त होने की सीमा पर पहुंच जाएंगे। इसलिए आवश्यकता है कि गैर परंपरागत स्रोतों को काम में लिया जाए, जिन्हें ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि ये ही परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। तो ये जो गैर परंपरागत स्रोत हैं उन्हें ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत भी कहते हैं, क्योंकि यही जो हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की क्षतिपूर्ति भी कर सकते हैं कि जब वो समाप्त हो जाएंगे तो इनको वैकल्पिक रूप से पूर्ण रूप से काम में लिया जा सकता है। इसी के साथ यह तथ्य विशेष ध्यान देने योग्य है कि जहां कोयला, गैस, पेट्रोल समाप्त होने वाले हैं, वहां सौर ऊर्जा, पवन एवं ज्वारीय ऊर्जा एक असीमित एवं निरंतर बने रहने वाला स्रोत है। तो यदि हम परंपरागत स्रोतों में कोयला, पेट्रोल, गैस इत्यादि की बात करें तो ये ऐसे स्रोत हैं जो समाप्त होने वाले हैं, लेकिन सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा जो कि गैर परंपरागत या वैकल्पिक स्रोत है, यदि इनके बारे में बात की जाए तो इनकी उपलब्धता जो है असीमित और निरंतर रहने वाले ये स्रोत हैं। भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है। राजस्थान द्वारा इस कार्य हेतु राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी का गठन 21 जनवरी 1985 को किया गया, जिसका उद्देश्य ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का राज्य में समन्वित विकास करना है। तो जो राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोत हैं उनको विकसित करना। मार्च 1999 में राज्य के गैर परंपरागत स्रोतों का राज्य में समन्वित विकास करना है। मार्च 1999 में राज्य में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की नीति भी घोषित की गई। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा चलाए जा रहे महत्वपूर्ण योजना और कार्यक्रम है सोलर एनर्जी द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, सोलर सिटी कार्यक्रम तथा ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम। तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा नियम द्वारा भी कुछ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उसमें से प्रमुख है सोलर एनर्जी द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, सोलर सिटी कार्यक्रम और ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सौर ऊर्जा की। राजस्थान सौर ऊर्जा की दृष्टि से संपन्न है, क्योंकि यहाँ वर्ष भर आकाश साफ रहता है और सूर्य की किरणों से ताप प्राप्त होता है। तो राजस्थान की यदि बात की जाए तो राजस्थान सौर ऊर्जा की दृष्टि से बहुत ही संपन्न है, क्योंकि यहाँ जो है आकाश जो रहता है वो वर्ष भर साफ रहता है और सूर्य की किरणों द्वारा ताप की अधिक मात्रा प्राप्त होती है। इसके अलावा राजस्थान में 325 दिन तक आकाश स्वच्छ रहता है, अर्थात सौर ताप उपलब्ध होता रहता है, इसलिए यहाँ सौर ऊर्जा की अत्यधिक मात्रा में संभावना है। सौर ऊर्जा का उपयोग घरेलू कार्यों, कृषि एवं उद्योग में किया जा सकता है। घरेलू उपयोग हेतु सोलर कुकर का प्रयोग सबसे अधिक उपयोगी है, क्योंकि यह अति साधारण बॉक्स नुमा होता है जिस पर खाना बनाने, पानी गर्म करने का कार्य किया जाता है।
इससे ईंधन की तो बचत होती ही है, साथ में पर्यावरण भी शुद्ध रहता है। तो सौर ऊर्जा का जो उपयोग है हम घरेलू कार्य से लेकर के कृषि एवं उद्योग धंधों सभी में काम में ले सकते हैं। यहाँ इस स्लाइड पे देखिए कि सौर ऊर्जा को दिखाया गया है कि किस तरह से ये जो सोलर प्लेटें लगी हुई हैं वो किस तरह से लगाई जाती है और ये किस तरह से वर्क करता है। इसी प्रकार प्रकाश हेतु लाइटें एवं कुओं से पानी निकालने का कार्य भी सौर ऊर्जा से किया जा सकता है। तो प्रकाश हेतु लाइट भी लगाई जा सकती है। सोलर लाइट का प्रचलन जो है वो आजकल काफी चल रहा है, और कुओं से पानी निकालने का काम है वो भी सौर ऊर्जा से किया जा सकता है। कृषि में सौर ऊर्जा चालित पंप से सिंचाई की जा सकती है तथा सुखाने एवं शीत भंडारण में इस ऊर्जा का प्रयोग किया जा सकता है। सौर ऊर्जा से छोटे और कुटीर उद्योगों में मशीनों के चलाने के साथ साथ प्रकाश व्यवस्था भी की जा सकती है। तो सौर ऊर्जा से क्या हुआ, छोटे और जो कुटीर उद्योग होंगे उनमें मशीनें तो चलाई जा सकती है, साथ साथ में प्रकाश की व्यवस्था भी सौर ऊर्जा द्वारा की जा सकती है। सौर ऊर्जा को संग्रहित करने हेतु सौर संग्राहक सोलर कलेक्टर का प्रयोग किया जाता है। यह समतल प्लेटनुमा और फोकसिंग प्रकार का यंत्र या उपकरण होता है। इसका उपयोग सौर चूल्हा डिस्टिलेशन प्लांट में हो रहा है। जोधपुर में एक 30 मेगावाट सौर ताप शक्ति उत्पादक पद्धति की प्रोजेक्ट विश्व पर्यावरण फंड की तकनीकी सहायता से लगाई गई है। गुजरात के बाद राजस्थान का सौर ऊर्जा में दूसरा स्थान है। तो यदि सौर ऊर्जा की बात की जाए तो उसके संदर्भ में गुजरात के बाद में जो राजस्थान है वो दूसरे नंबर पर आ रहा है। 17 मई 2011 को बीकानेर से 24 किलोमीटर दूर भैरू खीरा गांव में एशिया के पहले सोलर थर्मल पावर प्लांट में बिजली उत्पादन प्रारंभ हो गया है। राज्य का पहला सोलर पार्क जोधपुर जिले की फलोदी तहसील में बड़ला में बनेगा। तो जो ये जो है वो सोलर पार्क है जो जोधपुर जिले की फलोदी तहसील में है। सौर ऊर्जा के लिए सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेस जोन की स्थापना की है। सेज जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको कहते हैं सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेस जोन। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने का कार्य फोटोवोल्टिक तकनीक द्वारा किया जाता है। तो फोटोवोल्टिक जो तकनीक होती है उसके द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। यहां अब हम देख रहे हैं सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी जो है वो किस तरह से काम कर रही है। एक स्लाइड में दिखाया गया है कि सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी के बारे में दिखाया गया है, दूसरी में हाउ इज सोलर एनर्जी प्रोड्यूस्ड, ये इस तरह से फोटो के माध्यम से यहां इस स्लाइड पे दिखाने का प्रयास किया गया है। अब हम बात कर रहे हैं राजस्थान की सौर ऊर्जा परियोजनाओं के बारे में, जिसमें है खींवसर सोलर एनर्जी प्लांट जो नागौर में स्थित है, गैरी सोलर फोटोवोल्टेइक प्लांट ये है झुंझुनू में, मोकला सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट ये है जैसलमेर में, दुनिया सोलर एनर्जी प्लांट है जोधपुर में, आगोरिया सोलर पावर प्रोजेक्ट ये है बाड़मेर में। अब हम बात कर रहे हैं पवन ऊर्जा के बारे में या विंड एनर्जी के बारे में। पवन ऊर्जा भी सौर ऊर्जा के समान प्रकृति प्रदत्त ऊर्जा का साधन है। तो सौर ऊर्जा को जैसे प्रकृति ने दिया है उसी तरह से पवन ऊर्जा भी हमारे को प्रकृति द्वारा मिलती है, जिसका उपयोग विश्व के अनेक भागों में सफलतापूर्वक किया जा रहा है। तो वर्तमान में जो पवन ऊर्जा है उसका उपयोग विश्व में कई जगह पर सफलतापूर्वक किया जा रहा है। इसके अंतर्गत पवन चक्की लगाकर उसे वायु द्वारा परिचालित किया जाता है और उत्पन्न शक्ति को एकत्र कर जनरेटर चलाने, पंप सेट चलाने, विद्युत व्यवस्था आदि के उपयोग में किया जाता है। तो जो पवन चक्की होती है उसको वायु के द्वारा चलाया जाता है और उससे जो उत्पन्न शक्ति होती है उसको जनरेटर, पंप सेट, विद्युत व्यवस्था आदि के काम में लिया जाता है। राजस्थान में पवन ऊर्जा के विकास की संभावना पर्याप्त है, विशेषकर
पश्चिमी राजस्थान में जहां वायु की गति 20 से 40 किलोमीटर रहती है। तो यदि राजस्थान के संदर्भ में बात की जाए तो यहाँ पर पवन ऊर्जा की जो संभावनाएं हैं वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान में वायु की गति जो होती है वो बहुत ही तीव्र, यानी 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। यहाँ इस स्लाइड पे देख रहे हैं आप विंड एनर्जी के स्रोत, जिसको कह रहे हैं पवन चक्की, उसको दिखाया गया है फोटो के माध्यम से। केंद्रीय सरकार ने इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में चारे एवं चारागाह विकास हेतु पवन चक्किया प्राप्त करने का कार्यक्रम बनाया है। टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली ने राजस्थान में पवन ऊर्जा विकास हेतु दीर्घकालीन योजना तैयार की है। अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित गैप पवन चक्की स्थापित करने हेतु आदर्श स्थल हो सकते हैं, क्योंकि इनसे जाने वाली वायु का वेग तीव्र होता है। वास्तव में राज्य में पवन ऊर्जा के विकास की पर्याप्त संभावनाएं हैं। तो यदि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पवन ऊर्जा के विकास की जो संभावनाएं हैं वो पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। राज्य में 14 अगस्त 1999 को प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना जैसलमेर में प्रारंभ की गई। इसकी क्षमता 2 मेगावाट है। इसे अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना के नाम से जाना जाता है। देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना राज्य की दूसरी परियोजना है, जो प्रतापगढ़ में स्थित है। इसकी स्थापना 6 मार्च 2004 को ही की गई। तृतीय परियोजना बिथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना है, जो जोधपुर के फलोदी तहसील में है। अब हम यहां देख रहे हैं हाउ ए विंड टरबाइन वर्क, इसको दिखाया गया है फोटो के माध्यम से, कि पहले विंड मील में जो है ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, उससे विंड टरबाइन को जोड़ा जाता है। विंड टरबाइन के बाद में उसको जनरेटर से जोड़ करके ट्रांसफॉर्मर, फिर नेशनल ग्रिड और इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है हमारे घरों में या उद्योग धंधों में। तो ये स्लाइड दिखा रही है कि विंड टरबाइन जो है वो किस तरह से कार्य करता है। अब हम बात कर रहे हैं बायोगैस के बारे में। बायोगैस प्राप्त करने हेतु एक साधारण संयंत्र लगाया जाता है, जिसमें पशुओं का गोबर, खेतीहर अपशिष्ट को डाल दिया जाता है, तथा उससे जो गैस बनती है इसका उपयोग घरेलू ईंधन, लाइट जलाने तथा 100 किलोवाट तक के विद्युत उपकरण चलाने में किया जाता है। तो ये जो बायोगैस प्लांट होता है वो बहुत ही एक साधारण सा संयंत्र होता है, जिसमें पशुओं की गोबर और खेती से जो अपशिष्ट हमें प्राप्त होता है उसके द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में इसका सर्वाधिक प्रयोग ग्रामीण अंचलों में हो रहा है, क्योंकि इसको लगाने की जो लागत होती है वो बहुत ही कम होती है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में ये है इसका जो विकास हो रहा है वो अधिक हो रहा है। यहां देख रहे हैं बायोगैस प्लांट को दिखाया गया है फोटो के माध्यम से। इस स्लाइड पर बायोगैस प्लांट डिजाइन को दिखाया गया है कि बायोगैस प्लांट की डिजाइन किस तरह से होती है और वो किस तरह से कार्य करता है। इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है, और इस स्लाइड पर आपको इससे संबंधित पुस्तक संदर्भ दिया गया है, कि यदि आप ऊर्जा संसाधन के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करना चाहें तो इनमें से किसी भी बुक से आप कर सकते हैं, या राजस्थान का भूगोल से संबंधित किसी अन्य टॉपिक का यदि विस्तृत अध्ययन करना चाहें तो यहाँ पर पुस्तक संदर्भ दिया गया है। अंत में आप सभी का धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुनः आप सभी का एक बार धन्यवाद।